हेलो स्टूडेंट, क्लास फर्स्ट के लिए आपका ये जो होमवर्क होगा वो आपको चैप्टर 4 से है। चैप्टर नंबर 10 to 20 पढ़ना था चैप्टर 4 में। ओके, यहाँ पर मैंने आपको पहले भी दिया था नंबर्स नेम लिखने के लिए। अभी भी आपके बुक का पेज नंबर ये 38 है जो मैं आपको दे रहा हूँ वर्क करने के लिए। इसके बाद फिर मैं एक और क्वेश्चन इस जस्ट आपको लिखूँगा, पहले आप ये क्लियर कर लेंगे। ठीक है, बहुत इजी है। इस तरह से फिगर बना हुआ है आपके बुक में, इसलिए मैंने ऐसा बना दिया। ठीक है, आपको भी इस तरह बना के कॉपी में नोट करना है, लिखना है। ये क्या लिखा हुआ है, 1818। तो इसका क्या लिखना है, स्पेलिंग लिखना है। तो 18 का स्पेलिंग लिख देंगे हम लोग, EIGHTEEN, 18। ठीक है, इसी तरह बाकी सब स्पेलिंग आपको उसमें लिख देना है। ठीक है, दूसरा मैं क्वेश्चन आपको देने जा रहा हूँ वो देख लीजिए। अगला क्वेश्चन जो है आपका, जो कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जैसे मैंने आपको बोर्ड पर लिख रहा है, आप देख रहे हैं। ड्रॉ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ गिवेन नंबर, ड्रॉ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ गिवेन नंबर्स। यहाँ पर कुछ नंबर दिए गए हैं और इस नंबर्स के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है। ऑब्जेक्ट क्या ड्रॉ करना है ये मैंने नहीं लिखा है, क्योंकि आप जो चाहे सो बना सकते हैं। आप अपने मतलब कि नॉलेज से, आप अपने माइंड से, आपको जो इजी लगे वैसा ऑब्जेक्ट आपको बनाना है। लेकिन कितना बनाना है, जितना नंबर यहाँ लिखा हुआ है उतना बनाना है। ठीक है, तो क्या है, 4 है, तो 4 के लिए मैं 4 कोई ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। चलिए मैं मैंगो बना देता हूँ। 4 मैंगो बनाना बहुत आसान है। चलिए 4 ऑब्जेक्ट, 4 मैंगो हो गए। इसी तरह कुछ भी बना सकते हैं आप इसमें, जैसे कि इसमें एप्पल बना लीजिए, बॉल बना लीजिए, बैट बना लीजिए, पेंसिल बना लीजिए, और कोई फ्लावर बना दीजिए। एक ही तरह का सब होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपको ये वर्क करना है अभी। ठीक है, ओके।